हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 41,557 की, जो कि कल की क्लोजिंग से 191 पॉइंट प्लस में है। अब आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसने बहुत बेहतरीन दे दिया, 41,500 का लेवल इसने पार कर दिया है। एक हर्डल था इसके लिए और मैंने कल के वीडियो में ये बता दिया था, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दे के अभी ऊपर ही जाएगा, पर बेहतर ये था कि यहाँ पर ये रुके और रुक के मूव करे। तो इसने यहाँ पे पहले देखिए कि रेड कैंडल बनी है, ये यहाँ पे इस कैंडल के बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट करता हुआ जाता तो थोड़ा सही नहीं रहता, पर इसने यहाँ पे दो दिन होल्ड किया और एक दिन और होल्ड करता तो और अच्छा मूव मिलता, पर हमें वैसे अच्छा मूव मिल गया है। तो यहाँ पे इसने होल्ड भी किया और इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, जैसा कि मैंने बताया था ऐसा होगा। अब इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ चुका है, ये क्लियरली दिख रहा है हमको। अब हमारे पास सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आएगा इस लेवल का, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल है 41,800 से लेके 42,000 तक का लेवल। ये 200 पॉइंट का लेवल है, यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नाटक कर सकता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड होके नीचे की तरफ सपोर्ट उठा के और देन वापस न्यू हाई बनाने की तरफ निकल सकता है। इस जोन में हमको थोड़ा सा सुरक्षित रहना है, क्योंकि देखिए जोन आने ही वाला है। आज इसने 610 का हाई लगा दिया है तो 200 पॉइंट दूरी है वो जोन, तो जोन के पास आके अब ट्रेड करने लग गया है। ये जो एक जोन है, ये देखिए ये जोन है, ये जो पोजिशनल ट्रेडर हैं जो पोजीशन लेके आ रहे हैं, अब उनका ऐसा हो गया 41,222 का ले रहे हैं। देखिए ऑप्शन को ले जाना ज़्यादा सेफ नहीं है, तो जो फ्यूचर्स को होल्ड करके ले जा रहे हैं आगे, उनके लिए बस हल हो गया 41,222 का लेवल, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब वो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बन सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि दिन में इसके नीचे जाए, क्लोज इसके नीचे करता है अगर, तो आपको अपनी पोजीशन कवर कर लेनी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी थर्सडे को कैसे एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करने वाला है। अब एक्सपायरी को होने वाला है धमाका, धमाका इसलिए होने वाला है क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल ऐसे लेवल पे आके रुका है जहाँ से ये रिट्रेसमेंट भी ले सकता है नीचे की तरफ। कल मेरे को लग रहा है कि कल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगी ऊपर की भी और नीचे की भी, क्योंकि ये ओवरऑल अब देखिए डाउन तो बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी नेगेटिव ही है, वीकली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है। तो अब क्या बीच में बायर्स और सेलर के बीच में चलेगा युद्ध, तो ऊपर नीचे बहुत उठापटक होगी, वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, तो थोड़ा सेफली ट्रेड करें। बात करते हैं बैंक निफ्टी को हम एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए अगर बैंक निफ्टी एक रेंज में ओपन हो जाता है, रेंज हमारे पास रहेगी ये रेंज और ऊपर की तरफ ये, बैंक निफ्टी ओपन हो 41,488 और 41,611, इन दो रेंज के बीच में बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो हमको कैसे करना है ट्रेड। तब हमें प्राइस एक्शन देखना है बैंक निफ्टी का और HDFC बैंक कैसे रिएक्ट कर रहा है हमें ये भी चेक करना है, क्योंकि HDFC बैंक है, इसको आप मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। HDFC बैंक को देख, डेली ग्रीन कैंडल डेली ऊपर खुल रहा है, डेली ये बिल्कुल अपना ये रेसिस्टेंस लेवल सारा तोड़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है ऐसे लेवल पे, जहाँ पे अभी भी रिट्रेसमेंट ले सकता है अच्छी खासी, एक या दो ट्रेडिंग सेशन तो एटलीस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे संभल के ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये वो कर रहा है। प्राइस एक्शन बनाते हुए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। सो गाइस, इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हो जाए 41,488 से लेके 41,611 के बीच में ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो हम उसको ऐसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिता है, हम नीचे का ट्रेड तब लेंगे इस रेंज के अपर लेवल में बैंक निफ्टी ओपन हो और वहाँ हमको शूटिंग स्टार दे दे, तो हम शूटिंग स्टार का हाई का ऐसा लेके इसको ट्रेड कर लेंगे 150 से 170 पॉइंट के लिए। और अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में वक्त बिताता है, काफ़ी देर यहाँ पे रुकता है, और आप अपने बाकी कंपोनेंट्स HDFC बैंक ICICI बैंक पे भी ध्यान दे के रखना, अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है और फिर जिस तरह भी ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर की तरफ हम पॉइंट का टारगेट रखेंगे सिर्फ 60 से 80 पॉइंट का। अब मूवमेंट ऊपर की तरफ धीरे धीरे होगी अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता भी है, क्योंकि मार्केट वन वे अब जा रहा है, अब थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाए सपोर्ट लेके तो ज़्यादा अच्छा मूवमेंट मिलेगा हमको। अगर यहीं से ऊपर चल जाता तो हमें कम पॉइंट के मूवमेंट मिलेगा, आपको बड़े टारगेट लेके नहीं चलने हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाएगा, तो गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो गैप अप ओपन होने पर तो देखिए 500-600 के लेवल पर तो उसने किया ही है। गैप अप ओपन होगा तो वो मैंने जो लेवल बताया था आपको, जो नो ट्रेडिंग जोन है 41,800 से 42,000 का, उसके आसपास कहीं ओपन होगा। उस लेवल पे हमें देखना है कि बैंक निफ्टी ट्रेड कैसे कर रहा है, आपको 5 मिनट की कैंडल देखनी है उसने कैसा परफॉर्म किया, आपको उस टाइम पे थोड़ा सा रुकना है गैप अप होने के बाद। गैप अप होने के बाद मैं ऊपर का ट्रेड तो मुश्किल ही लूँगा, मैं ऊपर का ट्रेड तभी लूँगा जब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बिताने के बाद तब ऊपर जाता है,
और बेस्ट रेट रहेगा यहाँ पे मेरे को शूटिंग स्टार मिल जाए, तो शूटिंग स्टार से मेरे को अच्छा खासा 150 से 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं करूँगा, या फिर मैं रेंज को भी नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ मैं ट्रेड करने में थोड़ा सा गैप अप होने के बाद कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं बैठा ही रहूँगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही टाइम बिता देता है, अच्छा खासा चैनल बना देता है, तब ऊपर की तरफ निकलता है, तब मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ज़्यादा नहीं, 60 से 80 पॉइंट के लिए ही मैं ट्रेड करूँगा उस टाइम पे भी। बात करते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होगा तो देखिए ओवरऑल तो बैंक्स में पॉजिटिविटी है, सिर्फ SBI आज थोड़ा ज़्यादा गिरा है, बाकी ICICI बैंक और HDFC बैंक ने बहुत अच्छा रन दिया है आज हमको। तो ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो एक ये लेवल का ध्यान रखिएगा, ये लेवल का 40,422, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो फिर हमें हैमर अगर मिल जाती है हैमर कैंडल, तो हैमर का लो का ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हम वही रेंज देखेंगे हमेशा की तरह, प्राइस एक्शन देखेंगे और देखेंगे कि HDFC बैंक खासकर और ICICI बैंक कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ये दो बैंक्स पे मेरी खासी नज़र रहती है, खासकर HDFC बैंक है, ये बॉस है बैंक निफ्टी का, तो ये दो बैंक कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कैसे इनका इनके सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट्स पे आप, कहाँ इनके सपोर्ट, कहाँ इनका रेजिस्टेंस है वो लगा के देख लीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी इनके हिसाब से ही मूव करता है। और बाकी एक्सिस बैंक देख लो आप, कोटक बैंक देख लो, एक्सिस बैंक देख लो, कोटक देख लो, SBI देख लो, इंडसलैंड बैंक देख लो, तो ये सब पे ध्यान दे के रखना है उनको। तो मैं इनको भी देखूंगा, अगर उस हिसाब से मेरे को ट्रेड बनता है, सेटअप बनता मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज मैं बैठा रहूँगा शांति। दिन में मेरी कोशिश रहेगी मैं 5-7 ट्रेड ना करूँ, 2-3 ट्रेड ही करूँ। आज मैंने ट्रेड लिए हैं, देखिए ट्रेड लिए हैं, दिख रहे होंगे पता नहीं कितने ट्रेड लिए हैं मैंने मैंने पर यह सेलिंग की हुई है, ये सेलिंग करी है मैंने, ये मेरा सेलिंग वाला अकाउंट है। कोशिश रहेगी 2 से 3 ट्रेड लूँ, बेस्ट ट्रेड लूँ जो मेरे को सेटअप पे बनते हुए दिख रहे हो, मैं बेस्ट ट्रेड ही लूँगा। सो गाइस, आपको डेली लर्निंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के और लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि उसके लिए आपको मेरे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपनिंग करनी होगी, जीरोधा फायर्स और धन के अंदर, इन तीनों में से किसी के अंदर भी आप अकाउंट मेरे लिंक से ओपन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट उस वहाँ पे दिए हुए गए नंबर पे सेंड कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2-4 ट्रेड मारना है उस अकाउंट में, स्क्रीनशॉट लेके अपना नाम, फ़ोन नंबर और क्लाइंट आईडी या जो भी होगी आईडी, लॉगिन आईडी वो मेरे को भेजनी है और वहाँ से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आपको डेली अपडेट मिलेंगे बैंक निफ्टी के, जो कि मैं खुद देखता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। डेली लर्निंग वीडियो मिलेंगी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, मैं निफ्टी में भी जल्दी करने वाला हूँ ट्रेड, तो वो उसकी भी आपको वीडियोस जल्दी ही मिलेंगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।